असली कैसा है? कितना? 3 लाख ना? 3 लाख किलो। कश्मीरी चटाई इससे बनती है? अच्छा, कश्मीरी चटाई इससे बनेगी। नेशनल हाईवे 1, यही है ना सबसे ओल्ड हाईवे? एक मिनट, मेडिकल में मसाज सिखाते, मसाज कर यार। बड़े हरामी, एक तो खुलता नहीं है, मैं इसका अलग चूतिया पा है। हट, कार था 4x4, उसको चेन की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसे स्केट कर दिया तो नीचे चलेगी। ये देखो, इसलिए साइड में ये वीविंग हुआ है। हाँ, ये वीविंग वाला है। अच्छा, ओ हाँ, ये वीविंग है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है इसमें। अगर इस रेंज में देखना, इस रेंज में दिखाऊंगा वीविंग डिजाइन। हाँ, जामदानी ये एक एक ज्यादा हाथ से देना पड़ता है, ये कोई प्रिंट नहीं है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, हाथ दीजिए लाइए, ये देखिए इसका काम का बारीकी देखिए आप। इससे ये सब वीविंग में है, सब वीविंग है, सब वीविंग है। ये भी रिवर्सिबल वाला है? ये भी रिवर्सिबल, एक साइड मतलब आगे से पहनो। ओके, ठीक है, समझा। इसकी कारीगरी ये रहती है। ओके, इसका क्या प्राइस है? ये 1000 का है, आफ्टर डिस्काउंट 800। ओके, चलो सर, थैंक यू। चल यार, ये जरा पकड़ना इसको, जो जूता पहन लो इसी में डाल ले, इसको ना इसी में डाल। असली कैसा है? कितना? 3 लाख ना? 3 लाख किलो भाई। इंग्लैंड और मीना बाजार लास्ट है ना चेक पॉइंट, ठीक है, चलिए। कहाँ पर? क्या बनता है? कश्मीरी चटाई इससे बनती है? अच्छा, कश्मीरी चटाई इससे बनेगी। ओके, ये है मीना बाजार। अच्छा, मीना बाजार की राइड होती है खत्म यहाँ पर। अब चलते हैं गाड़ी पे, वहाँ से निकलेंगे होटल। चलो यार, सुन 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 ना भाई, ये करा दे दिए पैसे, मैं कब भागना है करा। हाँ चल। हेलो, तो फिलहाल अभी एक होटल मिले यहाँ पे, यहाँ पर रुके हम लोग। एंड जो डल लेक के बीच में जाना था होटल पे, वहाँ पे कुछ दिक्कतें थी, तो वहाँ से रूम्स कैंसिल किए हम लोगों ने। एंड डल लेक के पास ही एक होटल है, वहाँ पे हम सब रुक रहे हैं। होटल होने के बाद एक अच्छा होटल मिला है। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, कल अलग डेस्टिनेशन है। गुड मॉर्निंग, तो किनारा पड़ा हुआ है इधर, क्योंकि 3 दिन अपना है और यहाँ से अब निकलने वाले हैं। स्नो देखेंगे। चले भाई, चल 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 चल, चाबी निकालो। अरे निकाल यार, चल ये बैग पकड़ो प्लीज, बैग पकड़ो, जल्दी पकड़ो यार। निकलना था 9-10 बजे, अभी 11 बजे, बहुत लेट है। बस एक सोने के चक्कर में सो रहे हैं बस हम लोग। अगर सोना नहीं होता तो निकल गए कब कब का। एक नंबर के आलसी लोग हैं हम लोग। क्या हुआ? ओके, बाय बाय। हाँ हाँ, घोड़े वाले का ख्याल रखना। घोड़े वाले का? अच्छा, हाँ, आप घोड़े पे नहीं जाना, पर गंडोला है। हाँ, गिफ्टी है। गंडोला, हाँ, में, वो गंडोला में जाना है हम लोग को, घोड़े पे नहीं जाना, ठीक है? सीधी सी बात है। आप बाद में आए ना घूम के घोड़े पे, ये तो 8000 एक एक बंदे का, 10000 ठीक है। गंडोला कैब, उसमें कैब केबल कार चलती है। बस बस, ठीक है सर। ओके अंकल जी, थैंक यू, चलो बाय बाय। चले फिर। ये जैकेट रख लो, पीछे रख दो यार। क्या जैकेट यार, ठीक है, चल शुरू करें फिर। खराब कर दूंगा। चले, चलो फिर त्राही माम मचाते हैं, त्राही माम मचाते हैं भैया। क्या टांग दे? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। उसका नौकर है? किसका? मैं उसका भी नौकर नहीं हूँ, मैं हाँ।
देखिए ना सबसे ओल्ड हाईवे है, सबसे ओल्ड हाईवे है ये। ये देखो नजारे, नजारे ही नजारे इधर तो, और कुछ तो है। मुझे भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, मेडिकल कॉलेज पढ़ना है तो बीकॉम क्यों कर रहा है? अब पढ़ना बीकॉम का क्यों, बीकॉम करने पहले मेडिकल पढ़ेंगे। पंकज तुम मारे को हम मारे, कह रहा है ना कि मेडिकल पढ़ना है बीकॉम पढ़ के। मुझे लोगों की सेवा करनी है। ठीक है भाई, सेवा ही करनी है तो सेवा ही करनी है। हमारा ट्रिप स्पॉन्सर कर दे, ट्रिप क्या करना भाई, पैम से नहीं है भाई, भाई तो सेवा करके पैम से कमा। कोई बात नहीं, आज हम लोग सोएंगे ना पंकज, पैर दबाएगा सबके, पैर हाथ मस्त दबाएगा, ठीक है? अरे जब मेडिकल करूंगा तब ना आएगा, कैसे दबाएगा? अरे मेडिकल में पैर हाथ दबाते हैं, पैर हाथ दबाते हैं, पता होता है ना कैसे मसाज वगैरह करना या फिर कैसे। हाँ मेडिकल भाई साहब, एक मिनट, मेडिकल में मसाज सिखाते हैं, मसाज करना शब्द ना निकल भाई, मैं बीप कर दूंगा। मेडिकल में मसाज करना सिखाते हैं हाथ पैर। नाइस नाइस। हाँ थोड़े से फ्रूट्स ले लो और खाने के लिए, ऊपर मिलेगा महंगा तो मजा आ जाएगा। गोभी खाएगी, ऐसे भी गोभी हो रही है। दोबारा बोलूंगा गोभी, सुरभी गोभी। एक काम करो, बनानास ले लेते हैं। हाँ बनानास ले, बनानास बनानास नहीं खाती ना। कौन सा फ्रूट? एम्पल ले लेंगे। जाऊंगा, सुनो मेरी बात है, सिर्फ वाटरमेलन। ये रहा मार्केट, यहाँ से ये लोग लेके आएंगे, मैंने जाऊंगा मैं बहुत आलस। यार बड़े हरामी, एक तो खुलता नहीं है, मैं इसका अलग चुतिया पाया। हट, ये किया डाउन, ये यहाँ से खुलेगा। टक्स टक्सन ने भाई साहब, टाटा नेक्सॉन का फीचर है। अच्छी लोग तब तक खरीद रहे हैं फ्रूट्स एंड ऑल, तो अब यहाँ पे एक सीन ये है कि व्लॉग ऐसे ही नहीं बना सकते ना, मतलब कैमरा कहीं भी दिखाकर। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ है, मतलब हमारे आर्मी वाले हैं एंड ऑल, तो ऐसे ही कुछ दिखा नहीं सकते ना। कहीं कहीं फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो इसीलिए इतना लेके चल नहीं रहा। और एक चीज़ यहाँ पर, ये कैमरा ऐसे उठा उधर से, आगे पीछे लोग देखने लग रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जा रहा हूँ। मैं इतना ब्लॉगर तो हूँ नहीं, भी शुरू किया नहीं आने, तो फिर इसीलिए इतना थोड़ा सा संभाल लेना अगर बोरिंग हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा। बाकी नज़ारे तो मैं दिखा ही रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़े सा के बाद मैं फिर बाद में सही हो जाऊँगा। महाराज लोग बैठे हैं, आधार कार्ड ही नहीं लेके आए। वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर चाहिए तो मेरे को ट्रांसफर कर दो, मेरे से निकाल दो। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बाकी आधार कार्ड लेके घूमो यहाँ पे, पता नहीं कब पकड़ लें, कुछ पता ही नहीं है। इतना कोई सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा। पाकिस्तान से मुन्नी को छोड़ने आया हूं। एक्चुअली मैं पाकिस्तान से मैं मुन्नी को छोड़ने जा रहा हूं। और ये मुन्नी बैठी है मेरे सामने। हेलो गाइस, मैं हूं मुन्नी, मेरे को ऑरेंज दे दो। ये मुन्नी बदनाम हुई है, इसको पाकिस्तान छोड़ दूंगा मैं, मारूंगा। क्या मारूंगा? ऑरेंज। ये लो पानी पियो। पानी नहीं ऑरेंज है। पानी पियो, पहले पानी पीते फिर ऑरेंज पीते। खाली पेट पानी नहीं पीते, ऑरेंज पीते। खाली पेट पानी नहीं पीते, ठीक है ध्यान रखो। चाचा का फोन आया था मेरे। हाँ फिर चाचा का फोन आया। हाँ फोन आया। हाँ चाचा मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ। नहीं चाचा मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, दिव्यांश से बात करा तो। वो क्या हुआ, वो अचानक से बोले क्या ने कि आज सुबह से तुम फोन नहीं किए। मैंने बोलने जाता मैं दिव्यांश नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं ये भी बोलने जाता मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, मैंने मिक्स नहीं बोल दिया मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ। फिर मैं फोन तो मैं बात करूँ, फिर मैं बोला कि रुक जाइए मैं पेमेंट करूँ, एक बात कराता हूँ। अरे यार क्या ही, 1500 है, 1500 नहीं, मेरे चाचा बोले मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ। 1500 है ना। अरे यार वहीं पे छोड़ के भाग चलो इसको। ये सुनो सुनो, वो ये आ रहा है ना, इसको बैठने मत देना, ठीक है? इसको मनाली में से सही किया था। प्लीज 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 बैठने मत देना, ठीक है? कार लॉक कर दे, इसको बैठने मत देना, इसको आगे तक लेके चल थोड़ा सा, ठीक है? यार पर हमने हाईवे पे जाना, आगे करेंगे इसके साथ ही। नहीं नहीं हाईवे पे चलना, वहां तक सुंदरी मुन्नी बदनाम। फोटोज अपडेट, गुलमर्ग में घुस चुके हैं और क्या कुछ नहीं करोगे? एंजॉय मत करो, फिर बोलवा। नो 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 ड्राइविंग, तुम ड्राइव करोगे तो सच में गुलमर्ग पहुंच जाएंगे हम लोग। सीधा बर्फ, सीधा बर्फ, बर्फ बर्फ। नहीं नहीं रुके यहाँ पर चिप्स विप्स लेने के लिए, क्योंकि ऊपर महंगा मिलेगा, 10 के चिप्स 70 50, क्या फायदा लेने का, तो यही से ले लेंगे, ऊपर जाके खाएंगे।
कुछ करके फिर मिलता हूँ। कोट लेना हो, शूज लेना हो, उसके बाद से गाड़ी में चैन लगेगी अभी ना, गाड़ी में स्नो चैन लगेगी, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। 9 कर दो, कितना है? सब कुछ पहन के भाई, वो पेंगुइन वाली फील आ रही है। ऐसे ऐसे चलो दीदी, मेरा पैर तो अपने आप भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है भाई? पे चलो पी कर। यही है दोनों ना, कुंड बराबर चला कुछ हो गया। हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं, ठीक है? एक मिनट ठहरो, एक मिनट। ओके आ जाओ, कुछ आ सकी चैन ले रहे हैं, वो गाड़ी में स्नो चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, देखते हैं, रुको बताते हैं। थोड़ी थोड़ी स्नो है, बहुत अजीब सा लग रहा है चलने में यार, इसमें बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे। नहीं यार, नहीं नहीं चाहिए। क्या निकाल? बैट घुस, डिक्की खोल, खोले डिक्की खोल दे यार। चलो पहले शूज लेके आते हैं, वहां पे रखे वरना क्या पता गायब ही हो जाए यार। आजा आजा, क्या करना यार, चल आजा लेके आते हैं। सुधांशु चल पहले लेके आते हैं, डाल दो उसमें। सोनू भाई चले फिर, चलो 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 यार, आगे एंजॉय करना है सर। हाँ ओके ओके, इतने दूर से आया कुछ देखने के लिए? नहीं नहीं सही बात है, चलिए ठीक है, खरीदने के लिए कुछ नहीं है। ओके चलो चलते हैं यहाँ से, फिर आगे एंट्री होगी, एंड देन एंट्री के बाद सीधा हम गुलमर्ग, सीधे गुलमर्ग, सीधा एंट्री के बाद सीधे गुलमर्ग। हाँ ये देख सामने बर्फ ही है यार, रुक सकते हैं हम वैसे? क्यों ऊपर चलो ना, वो स्केट कर दिया गाड़ी ने। हाँ। और थार था 4x4। हाँ। उसको चेन की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसने स्केट कर दिया तो नीचे चलेगी। अच्छा। ये देखो इसलिए साइड में ये अब जा रही है ना, मतलब फेंसिंग इसलिए लग रहा था कि मतलब वो। हाँ समझ गए। ओके ये साइड में पड़ी हुई है, गुलमर्ग में कम से कम 3-4 फीट स्नो आपको मिलेगा।